किटू बंदर सब अंदर मैं यहाँ आके पागल हो गया। यहाँ हर बीमारी का इलाज होता है। कुल्लू मोहम्मद सोलंकी। अच्छा, यहाँ क्यों हो आप? दवा के साथ आया था। किसके साथ? दवाई लेनी। कौन सी दवाई? इलाज के लिए। इलाज के लिए। अच्छा, क्यों, क्या हुआ था? क्यों? इलाज किस चीज का? सही है, अब ये बोल रहे हैं, मैं सही हूँ। यहाँ तकरीबन 24 साल से काम कर रहा हूँ मैं। मुख्तलिफ बीमारियों के पेशेंट होते हैं, शिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, उसके मेंटल रिटार्डेड हैं, और इनके खाने की और दवा की, इनके सेहत और सफाई की सारी हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है। जो हम रूटीन में सुबह आते के साथ तकरीबन 8:30 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं, फिर 8:30 बजे तक इनको दवाइयाँ वगैरह मिल जाती हैं, फिर दोपहर 2 बजे 1:30 बजे खाना आ जाता है इनका, और फिर तकरीबन 2 बजे दवाइयाँ खा लेते हैं, और शाम में भी तकरीबन 7 बजे इनका खाना होता है, तकरीबन 7:15-7:30 तक फिर ये दवाई वगैरह खा के आराम से सो जाते हैं। बस ये मेंटल पेशेंट है, कभी कभार एग्रेशन आ जाती है तो उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। एक दफ़ा पेशेंट ने गला काट लिया था, वो देखा था मैंने, और एक दफ़ा पेशेंट ने सुसाइड कर ली थी, वो भी देखा था। वो पेशेंट है ना, कभी भी उसके दिमाग में एक सुसाइडल आइडियाज़ आ जाते हैं, तो वो कर सकते हैं ऐसा कोई भी काम। शादी है, 2 बच्चे हैं। चावल हमारे चाचा बहुत है, चाचा 8-9-10 बंदे हैं। मगर आए क्यों हो यहाँ पे, क्या किया था आपने कि यहाँ पे भेज दिया? इधर से मैंने कुछ नहीं किया है, इधर मजदूरी करता है रोड का। मेरा भाई लेके आया है दवाई। अच्छा, ले। अच्छा, हाँ। छोड़ के गया, जब मैं तेरे को लेके जाऊँगा घर पे। कितना टाइम हो गया? अभी 2-3-4 साल। 2-3-4 साल? नहीं भाई, वो 3 हफ्ते भी नहीं हुए। 3 हफ्ते भी नहीं हुए? 4 जून होते का 3 हफ्ते हुए इनको। मैं इंचार्ज है। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं ना करो। मैं सही था, मेरे को सब भाईजान बोलते थे उधर, अपना मेरी उधर इज्जत थी, मेरा उधर नाम था, मकाम था मेरा। मैं इधर आके पागल हो मारते मुझे क्राइटेरिया मोस्ट कॉमन अभी जो चल रहा है इस वक्त चल रहा है वो ड्रग एडिक्शन होती है, तो नशावर लोग जो है ना, जैसे कि हीरोन है या चर्स है, हशिश एडिक्शन होती है, भंग वगैरह पी लेते हैं, ओपियम एडिक्टर होते हैं लोग, ड्रग इंड्यूस साइकोसिस बोलते हैं। फिर ऐसे करते हैं जैसे कोई ड्रग इस्तेमाल होती है ना, तो फिर आस्ते आस्ते वो साइकोसिस में चला जाता है पेशेंट, नफसियाती पहलू आ जाते हैं उसके, यूँ समझाएं आपको। हाँ, क्योंकि एग्रेसिव बिहेवियर हो गया, इरिटेबल बिहेवियर उसका हो गया, गुस्सा होगा, धूमधड़ाक हो गई, ठीक है ना, वारिस परेशान हो गए, सोसाइटी के लोग परेशान हो गए, तो इसमें यह कि वो बिल्कुल जो ना एक तरह का उसका बिहेवियर एटीट्यूड चेंज हो जाता है। बेसिकली ये एक मिथ है। मिथ इस हिसाब से है कि कोई समझ नहीं पाता है कि साइकेटिक डिजीज भी हो सकती है। अगर किसी इंसान को जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, मलेरिया टाइफाइड हो सकता है, उसको साइकेटिक इलनेस भी हो सकती है। उसकी इनिशियल सिम्टम्स होती हैं, बाज़ वाक़ क्या होता है कि नींद ना आना, चिड़चिड़ापन होना, ठीक है,
एक्सट्रीम कंडीशन में अगर जाता है वो कानों में आवाज़ आना, किसी चीज़ का दिखना, ठीक है, अपने आप से ज़्यादा बड़बड़ाना, अकेले में बोलना, बातें करना, देखो इंडिकेशन होते हैं डिजीज़ की। मेडिसिन में उसको नफसियाती किताबों में पढ़ाया जाता है कि भाई इन बीमारियों में आप उसको शाक लगा सकते हैं। सीवर डिप्रेशन, साइकोटिक डिप्रेशन कहें कि बिल्कुल सुसाइड करना है, एक बंदा है ना भाई सुसाइड कर रहा है, आइसोलेटेड में सुकर मैं मारी हूँ, अपने पान मार दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा, मैं कर दूंगा, पूरी सोसाइटी में उसको ब्लैकआउट नजर आती है। उसको कहते हैं इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। बास अमराज, बास नफसियाती अमराज जिसको आप साइकोटिक डिप्रेशन कहें। कुछ ऐसी डिजीज होती है, एक्यूट साइकोसिस वगैरह होती है, कुछ मूड डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, सुसाइडल टेंडेंसी वगैरह आ जाती है, उसमें फिर क्या होता है, बाज़ दफ़ा ब्रेन के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं उसको स्टिमुलस देने के लिए, बाज़ दफ़ा उसको काम डाउन करने के लिए, ये होता है, ये सिंपल एक थेरेपी होती है। इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब ये नहीं है ट्रांसफार्मर से हमने तार उतारी और पेशेंट के उसमें एक दिमाग में मार दी, वो उस तरीके का नहीं है कि 220-240 वॉट का एक झटका दे दिया और बंदा उसमें लुढ़क गया। हाँ, ये सीवियर होती है, उसमें हम देते हैं और अल्लाह के फजलो करम से उसमें रिस्पॉन्स आता है। इमरान नाम था, वो एक घर में आ गया था, लंबे वाला भाई बन गया था, वो वाला उसने नईम नाम रख दिया था। मैं तो कुछ नहीं किया था, वो नशा करता टूट बैठा नशे में, मेरी नाक क्या टूटी, मेरी नाक बनी हुई, मेरा ऑपरेशन हुआ सारा यहाँ का, ये वो लाइफ निशान दे, वो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को यहाँ ध्यान लिया था, मेरे को यहाँ आने की हिम्मत थोड़ी है, इतनी हिम्मत थोड़ी है। वो अम्मी तो फौत कर दी उसने, वसीम ने उसमें इसरा में डाल के वहाँ, वो तो नशा करती थी, छाओ छाओ तो भाई जन्नत में आ चल भले, वो तो हो गया तो हो गया। माँ क्यों परेशान है, ओ अपनी किस्मत पे रान है। नजीर अहमद शेख, शराफ मुशीर अहमद शेख, आई एम कमी है हियर बिकॉज माई ब्रेन इज थोड़ा कम, उर्दू बोलूँ थोड़ा सा वीक है, यहाँ की रगे है ना एकदम हाई हो जाती है, तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता ना तो तोड़ फोड़ करता हूँ। मुझे एक लड़की से हो गई थी प्यार, ठीक है, सुंदर रहना जरूरत है, हो गया प्यार, तो मैंने खा लिया गोली, आपने किसी ने बोला उसको उधर दिखाओ, किसी ने बोला उधर दिखाओ, किसी ने बोला मेरा मर्द बिगड़ता चला गया, तो किसी ने मशवरा दिया कि इसको गिद्धू में दाखिल करा दो, वहाँ सही हो जाएगा। अहमद नाम है मेरा, टेलर मास्टर, टेलर मास्टर, टेलर मास्टर, घर के साथ हमारे शादी शुदा तीन बच्चे छोटे छोटे मेरे, कभी कभार गुस्सा आ जाता है, मुझे बीवी का हाथ उठ जाता था गुस्से में, गुस्से में हाथ उठ जाता है, तरह तरह के मरीज होते, कोई किस कैफियत के होते हैं, कोई किस कैफियत के होते हैं, मैं मुझे आप मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आपको मुझसे डर नहीं लग रहा होगा ना मुझसे बात करते हुए, कई मरीज ऐसे जिनसे आपको भी देखते हो थोड़ा अजीब सा लगता होगा, डर लगता होगा। मैसेज तो यही है कि पहले इंसान को इंसान समझे, जो उसकी असल हकीकत है ना, मतलब जो मकाम है उसका मेंटल पेशेंट का, उस मकाम में चाहे सोसाइटी को थोड़ा हमारा हाथ बटाएं, इनके वालदेन भी बटाएं, इनके लवाकिन भी बटाएं हमसे हाथ, क्यों, एक टीम वर्क है, आइसोलेटेड बंदा एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। माशरे के तौर पर हम उसको अगर देखें तो उनके जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो सिंपल उसको बोलते हैं कि यह तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही करता रहता है, क्या कि वो फिर बाद में वो डिज़ीज़ जो है ना वो एग्रीवेट होती रहती है और वो पेशेंट जो है ना वो सफ़र करता है, उसका जो अटेंडेंट होता है वो उसको चीज़ को समझ नहीं पाता है कि मेरा जो भी ये बच्चा है, बच्ची है, मेरा रिश्तेदार है, इसको कोई प्रॉब्लम है। जब वो एक्सट्रीम में चला जाता है उसके बाद फिर वो यहाँ पे लेके आते, वो बोलते इसको आप जमा, फिर वो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे एक दफ़ा कोई पेशेंट इन हो जाता है तो लाइफ लॉन्ग उसका एक वो ठप्पा लग जाता है कि नहीं अब ये साइकेटिक पेशेंट हो गया, अब ये पागल खाने का हो गया, अब ये हमारे माशरे में रहने के काबिल नहीं।
कि भाई इन पेशेंट को इरीटेट नहीं करो, इनको यानी कि इंसानियत के नाते पे उन्हें माफ, यानी मजाक वो कहते हैं ना कि स्टूपिड नॉनसेंस वो वर्ड्स इस्तेमाल करें इनके लिए, पागल है, चरियुआ है, पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। माशरे को समझना चाहिए ये पेशेंट है, किसी को कुछ भी हो सकता है, ज़ुकाम हो सकता है, बुखार, मलेरिया सब कुछ हो सकता है, उसी तरीके से साइकेटिक इलनेस हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। अपना मकाम मिलना चाहिए उसको, रिहेबिलिटेशन करें, उनको इंकरेज करें, उनकी सपोर्ट करें, गाइडलाइन उनको दें, हेल्प करें उनकी। अटेंडेंट को चाहिए वो मैक्सिमम केयर करें अपने पेशेंट की, लेकिन जो केयर जो उसका घर वाला कर सकता है वो हॉस्पिटल वाले नहीं कर सकते। अरे बाबा तुम जमो की कराइंदो, तुम रहो, तुम आप देखो, खुद चलो, जब मालूम तो पड़े कि आप मेडिसिन कार है तो आपके अट्रैक्शन होती है, एक तरह की एफिलिएशन होती है, मोहब्बत बढ़ती है। अब भाई है, बाप है, वो 5 साल के बाद आ रहा है कि तुम्हें। कई दफ़ा ऐसा होता है उसके अपने बच्चे जो ना उसको छोड़ के चले जाते हैं, वो आते नहीं है। हम उनको फ़ोन करते हैं, जब हम पेशेंट को एडमिट करते हैं तो हमें वो एक फ़ोन नंबर देते हैं, उसके बाद वो सिम पावर्ड ऑफ कर देते हैं। अटेंडेंट को भी चाहिए थोड़ा सा रेस्पॉन्स दे, ये आपके बच्चे हैं, आपका जिगर का खून है, आप नहीं समझोगे कोई नहीं समझेगा।